कनाडा मॉन्ट्रियल से लेकर कैलगरी तक इसी शायरी के हवाले से ही देखना नसीब हुआ। अमेरिका में भी यही, न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक जितने भी काबिल ज़िक्र शहर हैं जहाँ अदबी तकरीबात होती हैं, जहाँ अदबी गहमा गहमी है, वहाँ जाने का शरफ हासिल हुआ। और इसी शायरी के हवाले से तो अल्लाह ताला ने जो थोड़ी बहुत जगह बनाई है, लेकिन मैं भर कैफ बुनियादी तौर पर मेरी पहचान कराची से है और पाकिस्तान से है। मैं बुनियादी चीज़ यही है, तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोगों की नज़र में भी कुछ ना कुछ मोतबर समझा जा रहा हूँ। जहाँ तक तहलीकात का है तो मेरी तकरीबन 27 किताबें आ चुकी हैं, गज़लों के 10 मजमूए, नज़मों के 3 मजमूए, इंशाइये के 3 मजमूए, हमद और नात मनकबत सलाम वगैरह के 3 मजमूए, इसके अलावा दोहे का एक मजमूआ, रुबाई के एक मजमूआ, कितात का मजमूआ। रुबाई में एक ख़ास बात यह है रुबाई के सिलसिले में कि रुबाई के 24 के 24 औज़ान में मैंने 500 से ज़्यादा रुबाइयाँ कही हैं। और बाद में पता चला सीनियर्स के हवाले से कि भाई उर्दू शायरी में अब तक सिर्फ 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने रुबाई के 24 के 24 औज़ान में रुबाइयाँ कही हैं। उन 3 नामों में से एक नाम रफीउद्दीन राज का भी है। और इत्तेफाक़ से अल्लाह ताला का करम देखिए कि रुबाई के 24 के 24 औज़ान में वो गज़लें कहने वाला शायद मैं पहला ही शायर हूँ, इसलिए कि अब तक यानी जब मैंने रुबाई के 24 के 24 औज़ान में गज़लें कहीं उस वक्त तक किसी ने 24 के 24 औज़ान में गज़लें नहीं कही थी। जो नाविक हमज़ा पुरी ने बाज़ाब्ता ये लिख के दिया कि मेरी नज़र से कोई अभी तक तो कोई ऐसा शायर नहीं गुजरा है जिसने रुबाई के 24 के 24 औज़ान में गज़लें कही हों। इसके अलावा दोहे भी मैंने 1000 से ज़्यादा दोहे हैं जो मैंने दोहा छंद में कही हैं। मैंने अभी अपनी 27 किताबों की बात की थी तो इस वक्त मैं 27 किताबें लेके यहाँ नहीं पहुँचा घर में, लेकिन 17 किताबें मौजूद हैं मुख्तलिफ शक्लों में। पर एक किताब तो ये है सुखन सरमाया, मेरे गज़लों के 10 मजमूए हैं लेकिन इसमें गज़लों के 7 मजमूए शामिल हैं सुखन सरमाया में। 1200 सफ़ात से मुश्तमिल है ये किताब। 3 मजमूए इसके अलावा हैं जो मैं नहीं ला सका। इसके अलावा ये इंशाइये 3 मजमूए हैं और ये अपनी जगह पे है। ये आबशार सुखन है जिसमें नज़मों के 7 मजमूए हैं। और तो इस तरह से गोया 17 किताबें तो इस वक्त मौजूद हैं, बाकिया जो और जो किताबें हैं नहीं ला सका मैं तो, लेकिन यही है अभी तक काम हो रहा है, अल्लाह ताला अभी तक लिखवा रहा है और अभी चीज़ें इनायत हो रही हैं उसकी तरफ से। जहाँ जो मेरे ऊपर जो किताबें लिखी गई जिक्र किया है आपको कि मैं अभी कराची से मेरे ऊपर एमए का थीसिस हुआ था, इंडिया में पीएचडी हो चुका है मेरे ऊपर, हज़ारा यूनिवर्सिटी से एमफिल हो गया है और अभी एक एमफिल और इंशाइये पे एक एमफिल तकरीबन कंप्लीट है, अभी डिग्री अवार्ड नहीं हुआ है। मेरे ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं उसमें सबसे नुमाया किताब तो अभी गौहर मेरसानी साहब ने लिखी, 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल है, सुखन का चिराग रफीउद्दीन राज। उसके अलावा जो मेरे पर मजामीन लिखे गए तो वो भी 2-3 जिल्दों में वो भी है। उसमें मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सीनियर्स ने आज से 40 साल पहले पहली किताब जब आई दीदे खुशख्वाब उसी वक्त से उन लोगों ने बड़ी हिम्मत अफजाई की मेरी, जिसमें नुमाया नाम अबुल्ला सिद्दीकी, अबुल खैर कश्फी, शाहुल हक़ीक़ी वगैरह सब शामिल हैं, मुशफ़ी ख्वाजा, तमाम लोग ही इसमें हैं जो भी है, ताबिश दहलवी सभी। अज़ीज़ कराम, आपने जैसा कि हमारे अहद के एक मोतबर तरीन यकता शायर, बेबदल शायर जनाब रफीउद्दीन राज साहब का पैकेज अभी देखा, आपको मालूम हुआ कि इनकी क्या अदबी खिदमात हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जो अपने कलाम से, अपने काम से संजीदा होते हैं। रफीउद्दीन राज साहब का शुमार ऐसे ही अशखास में, ऐसे ही कदावर शख्सियात में होता है कि जिनकी तादाद तो बहुत महदूद है लेकिन वो लोग अपने काम से बहुत मुखलिस हैं, उनका काम बोलता है। वगरना हमने ये देखा है कि अदब से वाबस्ता हर शख्स का जो है वो किस्सा ज़बानी चल रहा होता है अपने ताल्लुक़ से, दीगर अहबाब के ताल्लुक़ से, लेकिन काम बहुत महदूद होता है।
रफीउद्दीन राज साहब ने तमाम उम्र अदब के लिए वक्फ कर रखी है, जितना आपने पैकेज में भी समाप्त किया इनकी किताबों के ताल्लुक से, और फिर रुबाई के ताल्लुक से भी आपने देखा कि दुनिया के वाहिद शायर हैं जिन्होंने रुबाई की कमोबेश 24 असनाफ पर या बहूर कह लीजिए उस पर जो है उन्होंने तबाजमाई की और रुबाइयात कहीं। राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं दीगर अदबी सिलसिले में, अदबी मंजरनामे पर, और अदब की जो बुनियादी सूरत हाल है और राज साहब जैसे कदावर शख्स मौजूदा अदब को किस तरह से देखते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। राज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम में किसी भी सवाल कायम करने से पहले या आपके अशार समाप्त करने से कबल अपने चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। मेरी तरफ से भी मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, बल्कि आपकी पूरी टीम का, आप इसलिए कि इससे पीछे भी लोग काम, पर्दे के पीछे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी भी एक अहमियत होती है, तो सब के लिए हाँ बहुत शुक्रिया। तो हमारी तो कतन ना तो अदबी हैसियत और ना समाजी हैसियत ऐसी है कि आपके सामने बैठकर सवाल भी कायम करने की जिसारत कर सके। नहीं नहीं ऐसा ये आपका कहना ये गलत है। आपकी अदबी हैसियत भी अच्छी खासी है, इसलिए कि मैं जानता हूँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, यानी हर जगह आपको सुना, जो कुछ मकबूलियत भी है और समाजी हैसियत से भी आप जाने बहुत ही जाने पहचानी शख्सियत है। ये अच्छी बात है कि तबीयत में जो आपके ये इंकसार है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके आदमी इर्तकाई सफ़र तय नहीं कर सकता है, तो ये खूबी है जिस हाँ बहुत शुक्रिया राज साहब। मेरा जी चाहता है कि मैं ये तकल्लुफाती और एहतराम अपनी जगह पर, यकीनन जो हम आपका एहतराम करते हैं और पूरा माशरा जो आपका एहतराम करता है, आप उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं राज भाई कहकर मुखातिब करूँगा, अगर आप इजाज़त दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा राज भाई, हमने ये देखा कि लोग काम कर रहे हैं अपने अपने तई, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं काम कर, लेकिन जिस तरह से कुदरत ने आपको अता किया कलाम और आप जितना जूद गो हैं, और अभी हमने पैकेज में भी देखा कि सैकड़ों की तादाद में आपने गज़लियात और फिर नज़में और दीगर असनाफ पर आपका बेशुमार काम भरा पड़ा। फिर हमने ये देखा कि दुनिया भर में आपको मधु किया जाता है अपने कलाम की बुनियाद पर। तो हम आप अगर इजाज़त दीजिए तो मैं सवाल कायम करने की जसारत करूँ। जी जी बिल्कुल। तो राज भाई, आप चूँकि दुनिया भर में जाते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और बायस फ़ख्र ये बात है कि आप शहर कराची की नुमाइंदगी करते हैं, तो आपने उस अदबी माहौल को किस तरह से देखते हैं जो पाकिस्तान से बाहर अदब तख्लीक किया जा रहा है, उसके ताल्लुक से अगर कुछ आप रोशनी डालिए। तो पाकिस्तान से बाहर जाने का पहला इत्तेफाक तो इंग्लैंड से हुआ। 2001 में मैं पहली बार गया और फिर मुसलसल मैं जाता रहा तकरीबन 7 बरस तक, शायद ही कोई बरस नागा हुआ होगा, और उसी हवाले से इंग्लैंड के तमाम जितने लंदन से लेके मैनचेस्टर तक, अच्छा, लिवरपूल, जब भी हो जाए, जितने भी हैं सभी, नॉटिंगहम, बर्मिंगहम, अच्छा, ब्रेडफोर्ड, शेफील्ड, सभी, तो एक से ज़्यादा के 10-12 मशारे पढ़े होंगे। उस जमाने में मोहब्बत करने वाले लोग भी कुछ आशुर कादमी हयात थे, डॉक्टर शफी हयात थे, तो ये वो लोग थे जो उनकी वजह से सरगर्मी भी काफ़ी तेज़ थी, यानी ख़ास तौर से बर्मिंगम और मैनचेस्टर वगैरह में। मैनचेस्टर में तो खैर अभी भी नासिर काज़मी के साहबजादे बासिर काज़मी होते हैं, तो उनके यहाँ भी मैं ठहरा हूँ। तो ये तो अदबी फिज़ा बहुत अच्छी थी हर, बल्कि वहाँ एक हैं शाह साहब, तो वो हर साल ब्रेडफोर्ड में आलमी मशारा कराया करते थे, उन्होंने ही मधु किया था, और फिर मैं मुसलसल उनकी मशारे में जाता रहा। तो जब जाता हूँ तो फिर वो ज़ेली मशारे होते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, अच्छा, तो जिन शहरों का मैंने नाम लिया है वो ब्रेडफोर्ड से 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे, तो हम लोग आराम से वहाँ चले जाया करते थे, तो वहाँ तो देखा रफ्ता रफ्ता। फिर ये है कि वो चीज़ें कम होती गई अदबी सर के उस ज़माने में, बिला मुबालगा ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि बरसगीर के बाद बरतानिया
उर्दू का सब उर्दू अदब का सबसे बड़ा मरकज। अच्छा। हाँ, ये बिला बवाल का, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बहरकैफ वो सामने की जो सफ थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को प्यारी हो गई। वो ऐसा होती है, निजामी है, कल हम नहीं होंगे फिर हमारी जगह आपकी नस्ल के लोग बैठे होंगे, फिर ये सिलसिला चल रहा होता है। अब वो उस तरह से वो सरगर्मी अब नहीं है, इसलिए कि मैं इन टच हूँ। कुछ लोग हैं अभी काम, लंदन में दो चार प्रोग्राम हो जाते हैं मुख्तलिफ, तो और भी ब्रेडफोर्ड में तो खैर न होने के बराबर रह गया है, मैनचेस्टर वगैरह में दो चार हो जाते हैं। वो बात नहीं है जो थी। अभी इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि अब वो नॉर्थ अमरीका, अच्छा, नॉर्थ अमरीका से मुराद अमरीका और कनाडा दोनों ही, शुमाली अमरीका और कनाडा दोनों को मिला उसको नॉर्थ अमरीका में है। तो अब वो बड़े सगीर के बाद वो उर्दू का सब अदब का सबसे बड़ा मरकज बन गया बिला मुबाल का। कनाडा में भी काफ़ी एक्टिविटी है, लेकिन कनाडा के साथ ये मजबूरी है कि वो अदबी शख्सियतें जितनी हैं तो उस तकरीबन उसके 90-95% लोग टोरंटो में हैं। अच्छा। और बकिया मॉन्ट्रियल से लेके और कैलगरी तक में बड़ा नाम दो दो चार चार लोग होते हैं, तो वो एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, टोरंटो की हैसियत बहुत मुस्तकम है, बहुत यानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ शायर, अदीब, अफसाना नगार, नक़ाद सभी। अब तो कुछ उसमें से इकराम रैली वगैरह का इंतकाल हो गया वरना, लेकिन फिर भी वहाँ तकरीबन हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। उसके बाद अमेरिका का जहाँ ताल्लुक है, अमेरिका को ये एडवांटेज है कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में, यानी न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया तक, तो एक दो नहीं अगर आप कहें दो चार, मतलब न्यूयॉर्क से करीब लीजिए तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन वगैरह जो है, मेरीलैंड, ये सब, तो ये चीज़ें यहाँ से आगे आप चले जाए लॉस एंजल्स की तरफ तो एले है, एले में ज़्यादा है। अच्छा। सैन फ्रांसिस्को में ज़रा कम है लेकिन एले में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद इस तरफ आप आ जाएँ तो शिकागो है, शिकागो में काफ़ी तकारीब होती हैं। अच्छा। डेलस है, ह्यूस्टन है, अटलांटा है, मतलब बहुत है। तो इतफाक से हर जगह जाने का इतफाक हुआ और एक से ज्याद बार डेलस तो मैं, बल्कि एले तो मैं तकरीबन 12 बार गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो जाना होता रहता है, तो काफ़ी एक्टिविटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बरे सगीर के बाद नॉर्थ अमरीका जो है उर्दू अदब का सबसे बड़ा मरकज है और अच्छी अशार कहे जा रहे हैं, अच्छे अफसाने लिखे जा रहे हैं, तराजिम का काम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जाहिर है दोनों जबान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनमें कुछ नाम हैं तो अगर एक दो नाम लूँगा दो नहीं लूँगी दो छूट जाएगा, तो इसलिए नाम दानिश्ता मैं नहीं ले रहा हूँ। तो तराजिम का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तनकीद ज़रा वहाँ अभी कमज़ोर है। हाँ, तो तनकीद के सिलसिले में तो वो आहिस्ता आहिस्ता अगर बात बनेगी तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। यानी हम अगर ये कहें कि राज साहब जैसे कदावर शायर, कदावर शख्सियत, और वो जो दुनिया भर में मधु किए जाते हैं, तो अगर उनसे हम जानना चाहें तो वो अदबी सूरत हाल से मुतमईन है, खासकर आए जो उर्दू अदब तख्लीक हो रहा है, आप इससे मुतमईन है। तो हमने ये देखा राज साहब के पाकिस्तान में भी आपके चाहने वाले लाखों की तादाद में मौजूद हैं, आप मुशायरों के पसंदीदा शौरा की सफ़े फहरिस्त में आप आते हैं, उस फहरिस्त में सफ़े अव्वल में आपका शुमार होता है कि हम अगर पसंदीदगी के ताल्लुक से बात करते हैं उसमें नौजवानों का हल्का भी शामिल है, उसमें सीनियर, आपके हम असर, तमाम आपसे मोहब्बत करते हैं। हमने एक चीज़ और देखी राज साहब के काम के ताल्लुक से, आपका जितना काम है वो हम सबके सामने मौजूद है। एक ताल्लुक होता है, एक चीज़ होती है जिसे अपने कलाम की आप रसाई का नाम देते हैं। आप अपना कलाम पहुँचाने में एक आम आदमी तक ख़ुद को क्या महसूस करते हैं, आप कितने कामयाब हैं? हाँ, उसमें मैं उतना कामयाब नहीं हूँ, ठीक है, अदबी हल्के तक तो मैं पहुँच गया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान हो या नॉर्थ अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, इधर अब मिडल ईस्ट है, तो जो अदब से जिनका ताल्लुक़ है उनमें मेरा ख्याल 90-95% तो लोग पहचानते हैं मुझे, वहाँ पहुँच गया। लेकिन अवामुन्नास में जो है, तो अवाम में मैं नहीं पहुँच पाया उस तरह से, और उसकी वजह यह है कि मैंने कभी पीआर पे तवज्जो नहीं दी। यही बात जब मैं पहली बार गया था तो आशुर काजमी ने यही कहा था, वो आए थे वहाँ बर्मिंगम से आए थे ब्रेडफोर्ड के मशारे में, सालाना मशारे में शरीक होने,
मशारे के बाद कहने लगे, राज साहब अब मुझे वापस जाना था लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से रुक रहा हूँ, आप थे कहाँ? हाँ, इतने शायरों को मैं बाहर भेजता हूँ, सबको बुलाता हूँ, आप थे कहाँ भाई? आपको कभी ये जुमला उन्होंने कहा, तो मैं रुक रहा हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए। तो वो रुके, दूसरे दिन उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी तफसीली गुफ्तगु हुई। तो मैंने सर यही कहा कि आशुर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि आप थे कहाँ, तो जिन दो चार अशार पर आप चौंके हैं, तो अगर मैं भी पीआर के पीछे पड़ा होता ना तो शायद ये अशार नहीं होते। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो इसलिए कि देखिए होता यह है कि आपके अंदर जितनी सच्चाई होगी, जितनी सच्चाई की जो सतह आपके अंदर है, जी 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 जी, उसका इजहार आप उसी सतह तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, मुमकिन ही नहीं है। बेशक कि फर्ज कीजिए 100 नंबर में से मेरे अंदर 70% सच्चाई है, तो जो कुछ भी मैं लिखूंगा, जो कुछ भी मैं कहूंगा, 70% से ज्यादा सच्चाई मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगा। वो अल्लाह ताला का अजीब व गरीब निजाम है। तो आपकी सच्चाई की सतह जितनी बुलंद होगी अंदर, आपके इजहार में भी वही वो चीज़ आएगी, चाहे वो आप तकरीर कर रहे हो, चाहे तहरीर में हो, चाहे जो भी हो, आपके इजहार में भी वो चीज़ आएगी। बहुत अच्छी बात। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके चेहरे पे भी आएगी वो। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बेशक नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और हमारी बज़्म में मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मोतबर तरीन शायर जनाब रफ़ीउद्दीन राज साहब। हम इस वक्त एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर राज साहब के कलाम से इस्तिफादा करते हैं। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, हम वक्फे से हाजिर हो चुके हैं। हमारी बज़्म में मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर, मुनफरिद लहजे के बेबदल शायर जनाब रफ़ीउद्दीन राज साहब। राज साहब, खूबसूरत गुफ्तगु आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे, अब हम राज साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना खूबसूरत कलाम भी हमारी समात और आपकी समातों तक मुंतकिल करें। राज भाई, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ कलाम अता कीजिए। चलिए, मैं सुनाता हूँ। जी ज़रूर। गज़ल गज़ल देख लीजिए, अता कीजिए। मैं खुश यकीन हुआ दिल के टूट जाने से। वाह। मैं खुश यकीन हुआ दिल के टूट जाने से, अता हुई है ये दौलत फरेब खाने से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अता हुई है ये दौलत फरेब खाने से, हसब नसब से कहाँ खुलती है बशर की ज़ात। वाह। हसब नसब से कहाँ खुलती है बशर की ज़ात, ज़बां बताती है कौन किस घराने से। बहुत अच्छे राज भाई, वाह 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 वाह। ज़बां बताती है कौन किस घराने से। वाह। कहीं खुदा न बना दे मुझे मेरी कुर्बत। वाह। कहीं खुदा न बना दे मुझे मेरी कुर्बत, सो डर रहा हूँ मैं अपने करीब आने से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो डर रहा हूँ मैं अपने करीब आने से, तो डर रहा हूँ मैं अपने करीब आने से, वक़ार कद मेरा मजरूह कर दिया इसने। वाह। वक़ार कद मेरा मजरूह कर दिया इसने, मैं सरनिगु हुआ ख्वाहिश के सर उठाने से। बहुत अच्छे राज भाई, वाह वाह वाह। मैं सरनिगु हुआ ख्वाहिश के सर उठाने से। वाह। शेर देखिए कि उरूस मर्ग भी आंखों में शर्म रखती है। वाह। उरूस मर्ग भी आंखों में शर्म रखती है, ये पास आती है लेकिन किसी बहाने से। क्या कहने, क्या कहने, हाँ, क्या कहने। ये पास आती है लेकिन किसी बहाने से, अनाए ज़ात का पत्थर है संगे राह नहीं। वाह। अनाए ज़ात का पत्थर है संगे राह नहीं, ये कब हटा है किसी और के हटाने बहुत से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। अनाए ज़ात का पत्थर है संगे राह नहीं, ये कब हटा है किसी और के हटाने से, ये कब हटा है किसी और के हटाने से। उस आखिरी शेर के, सियाह रात का अपना कोई वजूद नहीं। वाह। सियाह रात का, सियाह रात का अपना कोई वजूद नहीं, फिजा बदलती है सूरज के मुंह छुपाने से। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, खूबसूरत खूबसूरत। हम आपसे तादेर कलाम समाप्त करने की दरख्वास्त करेंगे, हम आपसे मजीद कलाम भी चाहते हैं कि आप पेश कीजिए। कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया। वाह।
میں کہ جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آ گیا بہت اچھے بہت اچھے میں کہ جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آ گیا شعر دیکھیے گا کہ ہو بہو میری ہنسی ہے ہو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا بہت اچھے بہت اچھے راز ہو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا بہت اچھے میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا ہاں یہ میرا نقش پائے شوق ہے جس کے طفیل ہاں یہ میرا نقش پائے شوق ہے جس کے طفیل آندھیوں کو ریت پر چہرہ بنانا آ گیا بہت اچھے راز بھائی بہت آندھیوں کو ریت پر چہرہ بنانا آ گیا کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری ایک رات واہ کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری کنجے تنہائی میں کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری ایک رات درد کی لو سے چراغوں کو جلانا آ گیا ارے واہ 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 درد کی لو سے چراغوں کو جلانا آ گیا زیر پا جو آگ ہے اس آگ پر کیا تبصرہ واہ زیر پا جو آگ ہے اس آگ پر کیا تبصرہ یہ شرف کیا کم ہے خود کو آزمانا آ گیا یہ شرف کیا کم ہے خود کو آزمانا آ گیا شعر دیکھیے گا کہ درد آخری شعر بھی ہے کہ درد جزو قطرے خون بن گیا ہے یا مجھے واہ درد جزو قطرے خون بن گیا ہے یا مجھے رنگ اور خوشبو کا آمیزہ بنانا آ گیا بہت اچھے راز بھائی بہت اچھے واہ 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 خوبصورت خوبصورت آپ کا نہ صرف جو گفتگو آپ فرما رہے تھے کلام پیش کرنے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے اور بے بدل کلام آپ نے ہماری سماعت تک اور ناظرین کی سماعتوں تک منتقل کیا جی چاہتا ہے کہ آپ سے تادیر کلام سماعت کیا جائے سو مجھے قطن آر محسوس نہیں ہوتی فخر محسوس ہوتا ہے بار بار آپ کے سامنے درخواست کرتے ہوئے کہ کچھ کلام اور پیش کیجیے جی ناظرین کرام ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں موجود ہے دنیا اردو کے معتبر شاعر یکتا شاعر اپنے لہجے کے اپنی تخلیقات کے اپنی کاوشات کے رفیع الدین راز راز صاحب اس وقت اپنا کلام تلاش کر رہے ہیں وہ کلام جو آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں جی راز بھائی یہ مشکلیں تھیں میری رہ گزر میں پہلے سے یہ مشکلیں تھیں میری رہ گزر میں پہلے سے یہ مشکلیں تھیں میری رہ گزر میں پہلے سے میں آ گیا تھا کسی کی نظر میں پہلے سے بہت اچھے راز بھائی بہت اچھے میں آ گیا تھا کسی کی نظر میں پہلے سے شعر دیکھیے کہ سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر اس کا واہ سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر سمر نے آ کے جھکایا نہیں ہے سر اس کا یہ انکسار ہے شاخ شجر میں پہلے سے بہت اچھے بہت اچھے یہ انکسار ہے شاخ شجر میں پہلے سے واہ 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 یہ انکسار ہے شاخ شجر میں پہلے سے واہ واہ تو کیا قیام میرا اس سے قبل بھی تھا یہاں واہ تو کیا قیام میرا اس سے قبل بھی تھا یہاں تو کیا قیام میرا اس سے قبل بھی تھا یہاں میرے وجود کی خوشبو ہے گھر میں پہلے سے بہت اچھے میرے وجود کی خوشبو ہے گھر میں پہلے سے واہ 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 صدائے کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے صدائے کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے صدائے کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے میں ساتھ ساتھ تھا اس کے سفر میں پہلے سے بہت اچھے بہت اچھے صدائے کن کی گھڑی بات کا زمانہ ہے کیا کہنے ہیں میں ساتھ ساتھ تھا اس کے سفر میں پہلے سے میں ساتھ ساتھ تھا اس کے سفر میں پہلے سے شعر دیکھیے کہ حسین شکل میں ڈھلنے کو حسین شکل میں ڈھلنے کو یہ خمیر بشر بہت اچھے واہ کیا تراش ہے مصرے کی صاحب حسین شکل میں ڈھلنے کو یہ خمیر بشر مچل رہا تھا کفے کوزہ گر میں پہلے سے مچل رہا تھا کفے کوزہ گر میں پہلے سے مچل رہا تھا کفے کوزہ گر میں پہلے سے وہ بھر چکا تھا میرے خال و خد میں سارے رنگ وہ بھر چکا تھا میرے خال و خد میں سارے رنگ میرا قیام تھا دست ہنر میں پہلے سے بہت اچھے میرا قیام تھا دست ہنر میں پہلے سے وہ کسی کے خواب کا محور تھے میرے خد و خال
वाह, किसी के ख्वाब का महवर थे, किसी के ख्वाब का महवर थे मेरे खद्दो खाल, कोई निगाह थी मेरे असर में पहले से। बहुत अच्छे, कोई निगाह थी मेरे असर में पहले से। उड़ान, आखिरी शेर, उड़ान भरने में कुछ देर हो गई वरना, उड़ान भरने में, हाँ उड़ान भरने में कुछ देर हो गई, कुछ देर हो गई वरना, ये तनतना था मेरे बालों पर में पहले से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राज भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे राज भाई। खूबसूरत कलाम आपने हमारी समातों तक मुंतकिल किया, हम वक्तन फवक्तन आपको जहमत देते रहेंगे। मेरा तो कतन ये जी नहीं चाहता था कि बस इतने कलाम पर इक्तफा करें, और फिर मैंने यूं रियायत रखी कि आप थक गए होंगे मुसलसल गज़लें पेश करते हुए, तो आपकी इल्मियत से और आपने जो दुनिया देखी और जिस तरह से दुनिया को देख रहे हैं, वो आपके तजुर्बात जो हैं, आपके मुशाहिदात जो हैं, उनसे भी हम इस्तिफादा करें। हमने ये देखा राज भाई कि वो लोग जो बुनियादी तौर पर तख्लीक़कार होते हैं, जिनका मसाला कतन अपनी शोहरत, अपनी तशहीर नहीं होता, आपका शुमार उन्हीं सफ़े अव्वल के बड़ी और कदावर शख्सियात में किया जाता है। तो मैं अपने लिए तो मैं तो शायद इस बात से आगाह हूँ, लेकिन हमारे बहुत से लोग देखने वाले आगाह नहीं होंगे कि ये जो ग्रुप बंदियाँ हैं, वो ग्रुप बंदियाँ यानी ऐवान सदर तक भी पहुँच चुकी हैं, सदारती महालात तक भी पहुँच चुके हैं वो ग्रुप, और हमने ये देखा है कि रिसोर्सेज की बुनियाद पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर, पीआर की बुनियाद पर, वो सालाना जो सदारती अवार्ड वगैरह हैं वो बांटे जाते हैं, और हमें बहुत हैरत होती है। और मेरा ख़्याल है कि आपको भी ये जानकर हैरत होगी कि हमारे ही शहर में, हमारे ही मुल्क में एक शख्सियत हैं डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी। जी जी, आप हैरान होंगे कि उन्हें आज तक कोई सदारती अवार्ड नहीं मिला, ये आपके लिए हैरत की बात होगी। आप मुझे ये बताइए कि ये बात मैंने तमहीद इसलिए पेश की कि डॉक्टर साहब को भी अब तक कोई सदारती अवार्ड हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया, और मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी ऐसे ही रवैया रखा गया, मुझे लगता जी है, हाँ, है। जबकि कोई भी हुकूमत हो उसके लिए ये एजाज की बात होगी कि वो आपको अवार्ड से नवाजे, ये आपके लिए एजाज की बात नहीं है। आप अगर अवार्ड कबूल करते हैं हुकूमत से तो ये हुकूमत के लिए बाइस से फख्र बात होना चाहिए, लेकिन क्या आप इसे, इस अमल को जुल्म की सतह पर नहीं लेते? मैंने एक मजबूत मिसाल आपके सामने, खुद आप मौजूद हैं, फिर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब मौजूद हैं, तो ये क्या है कि कल के लोग जो आ रहे हैं और अदबी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हैं, वो आप देखते हैं कि सदारती अवार्ड से उनको नवाजा जा रहा है, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाएंगे? मुआशरा जिस मुकाम पर पहुँच, इन्हदाद का सिलसिला तो आपको पता है कि जब कोई कौम इन्हदाद से दो चार होती है तो ज़िंदगी के हर शोबे उससे मुतासिर होते हैं। बिल्कुल ठीक। और अहले कलम, हालांकि नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम यही वो तबका है जिनको अच्छे बुरे का बेहतर सही मानों में तो और करीब होते हैं वो, लेकिन कुछ सिलसिला ही ऐसा चल निकला है कि जिसमें वो सिफारिश वगैरह का सिलसिला है आजकल, तो सिफारिश का सिलसिला, हाँ, लेकिन ये कि आदमी की जो शख्सियत में, अब जैसे डॉक्टर साहब की बात आपने की, पीरज़ादा कासिम साहब की, ठीक है उनको यहाँ नहीं मिला, लेकिन बेशुमार लोगों को मिलता रहता है। बिल्कुल, अक्सर लोग ये कहते हैं जब किसी को अवार्ड मिलता है तो कहते हैं अरे ये ताल्लुकात वाला अवार्ड है, तो वो कह देते हैं। बिल्कुल, इक्का दुक्का लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है तो लोग, यही आप जैसे लोग ये कहते हैं, हम लोग सब कहते हैं कि वह आज सही आदमी को अवार्ड मिला है, बल्कि अवार्ड के लिए एजाज की बात है कि इनका नाम इस बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे लोग भर के अपनी नजर में हैं, जब भी कहा जाता है। वैसे डॉक्टर साहब के लिए काफी यहाँ से यानी इनके साथ जश्न, काफी जश्न मनाए गए यहाँ, हम मिडिल ईस्ट में, कनाडा में, अमेरिका में, काफी। मैं आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो रहा हूँ और इजाजत चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए तो हम एक वक्फा ले लें और गुफ्तगू को यहीं से फिर जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन करम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म-ए-शायरी, हमारे साथ दुनिया उर्दू के मोहतबर शायर जनाब
रफ़ी उद्दीन राज साहब मौजूद हैं, जो खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं वक्फे पर, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर राज साहब के कलाम से इस्तिफादा करेंगे। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया उर्दू के मोतबर शायर जनाब रफ़ी उद्दीन राज साहब, जो खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। एक बार हम फिर जहमत एक कलाम देते हैं रफ़ी उद्दीन राज साहब को। राज साहब, जी चाहता है कि आपसे तादेर कलाम समात किया जाए और गुजारिश ये करते हैं कि कुछ कलाम और अता कीजिए। हिसारे ज़ात से बाहर निकल जाने की ठानी है। वाह। हिसारे ज़ात से बाहर निकल जाने की ठानी है, ज़रा मैं भी तो देखूँ मुझ में कितनी बेकरानी है। वाह वाह वाह। ज़रा मैं भी तो देखूँ मुझ में कितनी बेकरानी है, किसी से पूछते क्या हो जमीनों पर नज़र डालो। वाह। किसी से पूछते क्या हो जमीनों पर नज़र डालो, लकीरें खुद कहेंगी किसने कितनी खाक छानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लकीरें खुद कहेंगी किसने कितनी खाक छानी बहुत है। बहुत अच्छे। शेर देखिए कि हमें इंसाफ मिलने में जरा ताखीर तो होगी। वाह। हमें इंसाफ मिलने में जरा ताखीर तो होगी, जमीन पर बसने वालों की अदालत आसमानी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जमीन पर बसने वालों की अदालत आसमानी है। वाह वाह। जमीन पर बसने वालों की अदालत आसमानी है। मताए आरजू अशकों की सूरत आंख में आकर। वाह। मताए आरजू अशकों की सूरत आंख में आकर, ठहर जाए तो गौहर है जो बह जाए तो पानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठहर जाए तो गौहर है जो बह जाए तो पानी है। वाह। शेर देखिए कि सना पढ़ता हूँ आंखों की मगर ये जानता हूँ मैं। वाह। सना पढ़ता हूँ आंखों की मगर ये जानता हूँ मैं वहीं तक खुश नजर हूँ मैं जहाँ तक खुशगुमानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहीं तक खुश नजर हूँ मैं जहाँ तक खुशगुमानी है, और वहीं तक खुशगुमा हूँ मैं जहाँ तक खुशगुमानी है, और सिवाय गर्दे राह शौक क्या रखा है किस्से में। वाह। सिवाय गर्दे राह शौक क्या रखा है किस्से में, हमारी जिंदगी खाना बदोशों की कहानी है। बहुत अच्छे। हमारी जिंदगी खाना बदोशों की कहानी है, और मेरी आंखों से मेहर व माह पहम बात करते हैं। वाह। मेरी आंखों से मेहर व माह पहम बात करते हैं, मेरे पैकर में रोशन एक जहाने खुशगुमानी है। बहुत अच्छे, बहुत मेरे अच्छे। पैकर में रोशन एक जहाने खुशगुमानी है। मकता देखिएगा कि सलूके दोस्तां पर रास तुम हैरत ज़दा क्यों हो, नए हैं जख्म जहाँ लेकिन रिवायत तो पुरानी है। बहुत अच्छे। नए हैं जख्म जहाँ लेकिन रिवायत तो पुरानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गजल और सुन लीजिए जरूर। तो जब तेरी याद दिलो दीदा में दर आती है। वाह। जब तेरी याद दिलो दीदा में दर आती है। वाह। रंग तो रंग है खुशबू भी नजर आती है। क्या कहने, क्या कहने। रंग तो रंग है खुशबू भी नजर आती है, और जर्रे जर्रे में अजा देती हैं किरने तादेर। वाह। जर्रे जर्रे में अजा देती हैं किरने तादेर, कौन कहता है दबे पांव सहर आती है। बहुत अच्छे, बहुत। कौन अच्छे। कहता है दबे पांव सहर आती है, और दर्द दर्द खुद राह बना लेता है जिस्मों जामे। वाह। दर्द खुद राह बना लेता है जिस्मों जामे, रोशनी बंद दरीचों से भी दर आती बहुत है। बहुत अच्छे राज भाई, वाह। रोशनी बंद दरीचों से भी दर आती है। बहुत खूब। ये न भूलो कि मुखातिब को बवक्ते है, और शायद इस राह से जुगनू कोई गुजरा है अभी। वाह। शायद इस राह से जुगनू कोई गुजरा है अभी, तीरगी रात की खाइफ सी नजर आती है। बहुत अच्छे। तीरगी रात की खाइफ सी नजर आती है,
और तीरगी रात की खाइफ से नजर आती है, सर से दस्तारे फजीलत को उतारो भी कभी। बहुत अच्छे, वाह। सर से दस्तारे फजीलत को उतारो भी कभी, धूप दीवार से नीचे भी उतर आती है। बहुत अच्छे राज भाई, बहुत अच्छे। धूप दीवार से नीचे भी उतर आती है। वाह वाह वाह। और जब्त की हद से न बिखरो, जब्त की हद से न गुजरो के बिखर जाओगे। वाह। जब्त की हद से न गुजरो के बिखर जाओगे। प्यास को होंठों तक आने दो अगर आती है। बहुत अच्छे। प्यास को होंठों तक आने दो अगर आती है। सरे मक्ता शेर के घोल देती है रगे जामे नया आजमे सफर। वाह। घोल देती है रगे जामे नया आजमे सफर, वो कड़ी धूप जो दौरान सफर आती है। बहुत अच्छे। वो कड़ी धूप जो दौरान सफर आती है। मक्ता देखिएगा, तवज्जो चाहूंगा कि कल्ब के रोजनो दर, कल्ब के रोजनो दर राज अभी वाह रखना। वाह। कल्ब के रोजनो दर राज अभी वाह रखना, बेअसर हो जो दुआ लौट के घर आती बहुत है। बहुत अच्छे राज भाई, बहुत बेअसर हो जो दुआ लौट के घर आती वा, है। बेशक बेशक, वाह 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 वा, क्या खूबसूरत है। हम ये चाहेंगे कि बस पढ़ते रहें आप और हम समाप्त करते रहें आपका कलाम। कुछ और अता कीजिए राज भाई। कुछ ऐसी जगह देख लीजिए कि चश्मे नम तो है वही लेकिन ज़िया कुछ और है। वाह। चश्मे नम तो है वही लेकिन लेकिन ज़िया कुछ और है, जख्म ताजा पर नमक का जायका कुछ और बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ। वाह वाह। जख्म ताजा पर नमक का जायका कुछ और है। वाह। जख्म ताजा पर नमक का जायका कुछ और है। शेर देखिए कि लब नहीं, लब नहीं हसरत गजीदा आंख है महवे दुआ। वाह। लब नहीं, हाँ लब नहीं हसरत गजीदा आंख है महवे दुआ, इनको आंखों ही से सुनिए ये दुआ कुछ और है। बहुत अच्छे। इनको आंखों ही से सुनिए ये दुआ कुछ और है। वाह वाह वाह। इनको आंखों ही से सुनिए इनको ये दुआ कुछ और है। और सामने वो है तो क्यों अब तक बदन पिघला नहीं। क्या अच्छा है साहब, वाह। सामने वो है तो क्यों, सामने वो है तो क्यों अब तक बदन पिघला नहीं, ये मेरा पैकर नहीं पेशे खुदा कुछ और है। बहुत अच्छे। ये बहुत मेरा अच्छे। पैकर नहीं पेशे खुदा कुछ और है। और फतह भी देती रही है दाद हिम्मत की मगर। वाह। फतह भी देती रही है दाद हिम्मत की मगर, जो हजीमत से मिला वो हौसला कुछ और क्या है। कहने जो हजीमत से मिला वो हौसला कुछ और है। वाह वाह। और टूट कर भी जिंदगी अफरोज है इसका जमाल। वाह। टूट कर भी जिंदगी अफरोज है इसका जमाल, दिल नहीं सीने में ये शीशा नुमा कुछ और है। बहुत अच्छे। दिल नहीं सीने अच्छे। में ये शीशा नुमा कुछ और है। क्या कहने। दिल नहीं सीने में ये शीशा नुमा कुछ और है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राज भाई। आप तशरीफ लाए प्रोग्राम बज़्म शायरी में, आपने खूबसूरत गुफ्तगु फरमाई, खूबसूरत कलाम हमारी समातों तक मुंतकिल किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सामीन को कभी बल्कि सामीन को भी नाज़रीन सबके लिए जो है। तो और सच्ची बात यह है कि अभी एक चीज़ जो क्रेडिट आपके चैनल को जाता है वो इस वक्त मेरा ख्याल है कोई दूसरा चैनल नहीं है जिस पर अदबी प्रोग्राम इस तसलसल से आ रहा हो। और आप देखें बरसों से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक आप उसे चला रहे हैं। अदबी प्रोग्राम के सिलसिले में जाहिर अखराजात तो अपनी जगह वही होते हैं, दूसरी न इसमें कोई ऐड मिलता है न कुछ है, सब कुछ है। इसके बावजूद अगर कोई चैनल इंस्टीट्यूट चला रहा है तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, सच्ची बात है, बल्कि ये एक तरह का जिहाद है। बहुत शुक्रिया। और इसकी दाद आप लोगों को मिलनी चाहिए, बल्कि नाकाफी है ये कि सिर्फ तारीफ कर देना, बल्कि कुछ और भी होना चाहिए, बल्कि अलग से कोई अवार्ड आपको बहुत शुक्रिया राजे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने अपनी बज़्म में अपने प्रोग्राम में कई बार इस बात का इजहार किया है कि ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब जो हैं वो एक इल्मी और अदबी घराने से उनका ताल्लुक़ है और उनका बहुत वसी मुताला है अदब के ताल्लुक से,
और ये उनकी ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر یہ پروگرام آج کم و بیش 15 سال ہو گئے اور یہ آج بھی قائم ہے اور تسلسل سے جاری ہے. آج جبکہ آپ دیکھیں اخبارات کا جو حال تھا ایک زمانہ تھا, تمام اخبارات اب جتنے بڑے ہیں اخبار چاہے کوئی بھی ہو, نوائے وقت ہو, جنگ ہو, نام لگے ایکسپریس ہو, سبھی اب کیا حال ہے, آج بھی ادبی سب میں نہیں رہے. تو جب اخبارات نہیں ہے اس کے باوجود وہی چینلوں میں جب کچھ تو جیو وغیرہ پہ ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی بالکل نہیں. تو آپ بہت ہی نمایاں ہے, یہ چینل آپ کا ادبی لحاظ سے بے انتہا نمایاں ہے. بہت شکریہ اور سچی بات ہے, اللہ آپ لوگوں کو نظر بد سے بچائے. میں بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج بزم میں موجود تھے دنیا اردو کے معتبر ترین شاعر رفیع الدین راز صاحب. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین کرام, آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک